नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं जिस विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है हार्ड वायर, या आप बोलिए रस्टी वायर, या कभी कभी जो हमारे डिफेक्टेड वायर आ जाता है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा सवाल है ये पूछा गया है धीरज जाधव जी के द्वारा। धीरज जाधव जी जो हमारे एक रेगुलर सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमारे बहुत सारे वीडियोज को देखा, पसंद किया और लाइक किया, और शायद ये चैनलिंग फेंसिंग का व्यापार भी करते हैं। तो धीरज जाधव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा, ताकि औरों को भी इस समस्या से मैं अवगत करा पाऊंगा, इसका समाधान दे पाऊंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हार्ड वायर अगर आ जाता है आपके पास तो उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों कहानी बहुत सिंपल है कि GI वायर तो ठीक है अपनी जगह जाली बनाने के लिए, मगर इसके साथ में और भी दूसरे वायर होते हैं जिनकी जालियां बनती है, जैसे कि आपका HB वायर भी होता है, स्टेनलेस स्टील के भी वायर होते हैं, और कुछ जगह पे हाई कार्बन की जो वायर मेस होती है वो भी यूज की जाती है ना, सिक्योरिटी पर्पस में। ये इस पे हाई कार्बन का जो मटेरियल है वो सिक्योरिटी पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ आसानी से प्लकिंग वगैरह से कटे ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि वायर कितना भी हार्ड हो उसका मेस बनाया जा सकता है। अगर वायर हार्ड है ये सोच के अपन जाली को, सॉरी तार को फेंकते नहीं है, फेंकेंगे नहीं, उसका हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं एक एक करके सभी परिस्थितियों को आपके सामने क्लियर करूंगा कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या समाधान अपने को मिल सकता है। पहले सबसे सिंपल समाधान ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका वायर हार्ड है तो आपको करना क्या है कि आप अपनी डाई पे पहली बात तो कटिंग आइल चलाइए। कटिंग आई के साथ में वायर का जो बंडल है उसमें जो वेस्ट वायर होता है, किसका वेस्ट ऑयल होता है जो ट्रक का निकलता है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में जला ऑयल कहते हैं, जला हुआ ऑयल बोलते हैं, उस ऑयल को आप थोड़ी अच्छी मात्रा में उस वायर के बंडल के ऊपर छिड़क दीजिए। अगर वैसा आप करते हैं तो उससे भी क्या होगी, उसकी सॉफ्टनेस जो होगी इंप्रूवमेंट हो जाएगी और शायद इससे आपका समाधान हो जाए। इन केस अगर इससे भी आपका समाधान नहीं हो रहा है तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो आपके श्योर शॉट काम आने वाला है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्टेनलेस स्टील के वायर का भी मेज बनाया जाता है, हाई कार्बन के मटेरियल का भी मेज बनाया जाता है। तो हाई कार्बन और स्टेनलेस स्टील जो है ना वो GI से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो डाई है, जिस डाई से आप मेस निकाल रहे हो, वो डाई का मटेरियल जो होना चाहिए वो EN8 का मटेरियल होना चाहिए, EN9 EN8 ग्रेड का हाई कार्बन लोहे का वो डाई होना चाहिए। साथ ही उस डाई के साथ में जो आप पट्टा लगा रहे हैं, पट्टा भी आपका प्लेन MS का नहीं होना चाहिए या हार्ड लोहा नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में EN8 या EN9 का लोहा होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। अब इसमें होगा क्या कि जब डाई और पट्टा दोनों के दोनों EN8-9 के होंगे तो वायर जो होगा उनके कंपैरिजन में आपका जो हार्ड वायर है वो सॉफ्ट वायर बन जाएगा, क्योंकि वो डिजाइन किया गया है हाई कार्बन मटेरियल के लिए, और आपके पास है GI जो लो कार्बन मटेरियल है, ठीक है, और सॉफ्ट भी है, मगर वो GI के कैटेगरी में हार्ड है, मतलब GI के कैटेगरी में लिया जाए तो वो हार्ड वायर कहलाएगा, बट एक्चुअल वो EN8 और EN9 के मटेरियल के लिए क्या हो गया, वो सॉफ्ट वायर ही है, उससे वो आपका मेज बड़ी आसानी से बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान और आप दीजिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि वायर में से अगर बेंड निकलता है तो उसके 2-3 कारण भी होते हैं, उस कारणों को भी आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे कि पट्टा और डाई के बीच में कहीं गैप तो नहीं आ गया है, पट्टा कहीं बैंड तो नहीं है, ये 2-1 कारण और भी है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो बेस्ट फॉर्मूला तो यही है, मेरी तरफ से सबसे उत्तम सलाह ये है कि आप जो डाई यूज कर रहे हैं वो EN8 या EN9 के मटेरियल का, हाई कार्बन के मटेरियल का यूज करें, और पट्टा भी उसी कैटेगरी का यूज करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 95% चांसेस है कि आपको मेज बनाने में जो बेंडिंग या राउंडिंग के जो प्रॉब्लम आती है, जिससे वायर राउंड राउंड निकल जाते हैं या तिरछे निकल जाते हैं मेज, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरी इस बातों को सुनने के लिए, और
ये वीडियो बनाने में हम लोगों को काफी मेहनत लगती है, तो मैं आप लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट्स लिखें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो एक कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में और भी बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूंगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को देखा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।